देश के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही, मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये जरिया जनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे जरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी, ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, 1000 करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है, उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ए राहुल बाबा, खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? अब जरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला, मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी, पत्थर पर लकीर होती है, ये एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया, जोर से ताली बजाना बहनों, 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो जाएगा। देश में कितना भी गैस के सिलेंडर का भाव हो, आपके यहां 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर का आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं बताओ, आपको बेकारी भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? मैं बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार ला दो, हमारी दीदी को जिता कर ला दो, आपको हर महीना 2000 रुपये का चेक मिलेगा, 2000 रुपये का। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार थी तब
यहां पर 50 लाख की संपत्ति खरीदने पर बहनों को स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया देनी पड़ती थी, इन्होंने बंद कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं कि हम स्टैंप ड्यूटी को फिर से लागू करने का काम करेंगे, 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी योजना फिर से लागू होगी। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और वृद्ध, दिव्यांग और विधवा के पेंशन में 2500 रुपये तक की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे धनबाद जरिया वालों बताओ जरा, आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए, इसमें सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुटपेटी को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए इसकी भी चिंता हम करेंगे। मुझे बताओ झारखंड वालों, एक बात मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखा, टोक कर रखा, लटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में पूरे राम मंदिर बनाने का काम और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, न केवल राम मंदिर, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने की शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब जरिया के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आप डरिए मत, हमारी दीदी को विधायक बना दो, किसी को खंडनी नहीं देनी पड़ेगी, किसी को खंडनी नहीं देनी पड़ेगी।